नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू संभाग के कठुआ जिले से एक बड़ी अपडेट आ रही है और आपको बता दें कि जठाना गांव के पास जो है 6 संदिग्ध लोग वहां पर पाए गए और जिसके बाद जो है वहां पर अधिकारियों ने ये कह दिया है कि पूरे एरिया को इस समय जो है जाँच पड़ताल की जा रही है और लोगों से ये आग्रह भी किया गया है कि सतर्क रहें और किसी भी असामान्य गतिविधि की अगर उन्हें कोई सूचना मिलती है तो वो जल्द से जल्द जो है पुलिस को बता दें। और आपको यह भी बता दें कि पुलिस स्टेशन राजबाग के अधिकारी जो हैं उन्होंने यह बताया है कि सेना के द्वारा अभी वहां पर तलाशी अभियान जो है लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है कठुआ जिला के राजबाग से, राजबाग के लगभग 40 किलोमीटर दूर ये जठाना गांव है जहां पर 6 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है और जिसके बाद से जो है लोगों के बीच में इस खबर को लेकर हड़कंप मच गई है और अधिकारियों के द्वारा लोगों से ये अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे में दूरी बनाए रखें, अगर ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि वहां पर नजर आती है तो फौरन इतला करें। और उसी के साथ एक आपके साथ एक खबर साझा करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा जो है खौर सेक्टर में एक इंट्रूडर जो है वो पकड़ा गया है। पाकिस्तान की तरफ से वो भारत की ओर आ रहा था, एज उसकी 35 वर्षीय है, जाकिर खान उसका नाम है और कराची पाकिस्तान का ये रहने वाला है। और इनिशियली जो रिपोर्ट्स मिली है उसके मुताबिक ये मेंटली अनस्टेबल है, जहां अब इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, पूछताछ की जो इस समय प्रक्रिया है उस पर इस समय काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें जाकिर खान जो जिनकी उम्र जो है 35 वर्षीय है और कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये जो है जम्मू के जो मिलान की खुई खौर सेक्टर में पड़ती है वहां पर इन्हें पाया गया है। और अब जो है जहां पर इनकी स्थिति की बात की जाए तो इस समय इनकी जो मेंटल स्थिति है वो खराब है, जिसके कारण इनके साथ ज्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इंट्रूडर जो है आज जम्मू कश्मीर के खौर इलाके में पकड़ा गया है, ये आज इस समय की जो बड़ी अपडेट जो हमने आपको बताई। और साथ ही साथ इस समय की जो एक खास खबर जो हमने आपके साथ साझा की, कठुआ में जो है जठाना गांव के पास 6 संदिग्ध लोग जो है वहां पर पाए गए हैं और ऐसे में वहां पर एक खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है और अधिकारी जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी किया गया है, इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है और पूरी कोशिश की जा रही है ये 6 संदिग्ध व्यक्ति जो देखे गए हैं इन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। और लोगों से बार बार ये अपील भी की जा रही है कि सतर्कता बरतें और ऐसे में अगर कोई ऐसी गतिविधि इन्हें नजर आती है तो उस पर जो है फौरन इतला की जाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।